हाँ जी, तो हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज से, एंड चैप्टर इज लीनियर मेजरमेंट विच इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग हमने पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ एरर्स एंड वेट्स देखा। हम लोगों का तीसरा चैप्टर है लीनियर मेजरमेंट्स, और यू कैन से पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट है। वैसे तो आपका लीनियर मेजरमेंट्स करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ मेकिंग लीनियर मेजरमेंट्स, जिनके अंदर आपका पहला होता है डायरेक्ट मेजरमेंट। एग्जाम्पल आपका चेन है, टेप है। सेकंड है आपका मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मीन्स। ध्यान से समझिएगा, जैसा कि हम लोग टेकियोमेट्री में ट्रेंगुलेशन सर्वे में डिस्कस करते हैं, ऑप्टिकल मीन्स ऑप्टिक्स वाले फार्मूले लगते हैं। आप लोग टेकियोमेट्री में डिस्कस करते हैं डी बराबर के एस प्लस सी। इस फार्मूले को हम अगर ड्राइव करते हैं तो ये आपका मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से निकल के आता है। तो एक प्रकार से ऑप्टिक्स तो वहां पर यूज हो रही है, तो ऑप्टिक्स मेन क्या है, बाई ऑप्टिकल मीन्स। तो आपका टेकियोमेट्री, ट्रेंगुलेशन सर्वे, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग वगैरह। टेक्योमेट्रिक मतलब डी बराबर है के एस प्लस सी वाले मेथड से। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स। एग्जांपल, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर मेजर करते हैं, यूज करते हैं। हमने लाइट को ऑन किया, लाइट जहां पर भी जाके स्ट्राइक की वहां से वापस भी आई होगी कोई ना कोई रे, तो हमारी यहां से कोई ना कोई रे गई है, वापस आई है। उस रे ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे डिस्टेंसोमीटर पे आ जाता है, डिस्प्ले के अंदर आ जाता है। तो एक प्रकार से ये क्या हुआ, हमने लाइट को ऑन किया मतलब सबसिक्वेंट रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, वापस हमने उसको रिसीव किया लाइट को, तभी तो जाके हमारी बात हुई। तो कोई ना कोई तो मीडियम था ना, कोई ना कोई तो वेव थी। Yes or no? तो ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एग्जाम्पल है आपका रेडियो वेव्स, एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई भी वेव्स के ऊपर, जो मतलब लाइट वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इंफ्रारेड रेज। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट जियोडीमीटर 510। जियोडीमीटर पूरे सर्वेइंग में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट वेव्स का यूज करता है रेंजिंग पर्पज के लिए। अपन डिस्कस करेंगे बाद में, जो आपका मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे पूरा डेप्थ में। तो ये इन वेव्स का यूज करके अगर हम कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो आपका ये पार्टिकुलर एक मेथड हो जाता है। हम लोगों को नाम सजेस्ट कर रहा लीनियर मेजरमेंट, तो मतलब हम लोगों को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस की बात करनी है, ना कि और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स की। और उस डिस्टेंस के अंदर भी वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं, और जनरली हमारा टेप और चेन यूज में आता है।
डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइकवाइज पेडोमीटर, पैसोमीटर, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर, पेरम्बुलेटर, पेसिंग सिस्टम, चेनिंग सिस्टम। पेडोमीटर पैसोमीटर जनरली एक पॉकेट में अटैच किए जाते हैं, एक पॉकेट एक जेब में डाल दिए जाते हैं। जैसे आप चलते जाते हो या आपके कदम गिनते जाते हैं, नंबर ऑफ कदम मल्टीप्लाइड बाई एक कदम की दूरी को ये हम लोगों को पहले फिक्स करना पड़ता है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है, टोटल जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो मेजर होगी नंबर ऑफ पेसेस मल्टीप्लाइड बाई एवरेज लेंथ ऑफ ए पेस। ये एवरेज लेंथ ऑफ ए पेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तक 60 से 80 सेंटीमीटर एवरेज कदम ऑफ लेंथ। आजकल भी हमारी एक क्रिकेट की पिच की लेंथ को मेजर करने के लिए कदम वाला सिस्टम अप्लाई होता है। ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर आपका अटैच्ड टू सर्कुलर व्हील्स, सर्कुलर व्हील्स के साथ अटैच किया जाता है। एग्जांपल है गाड़ियों के अंदर, भाई हमारी गाड़ी यहां से किसी दूसरे प्लेस पे गई, वहां तक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो 20 किलोमीटर किसी ने तो मेजर किया होगा ना कोई तो मीटर उसके अंदर लगा हुआ है। वो कैसे मेजर किया होगा? जितने चक्के ने आपके आरपीएम राउंड्स पर मिनट रिवॉल्यूशंस पर मिनट काटे होंगे और एक चक्के का जो डायमीटर होगा सर्कमफेरेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल करके देता है आपको। जो आपका टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड। हाँ जी, जो पेरम्बुलेटर होता है, ये पेरम्बुलेटर एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है सिमिलर टू पैसोमीटर। फर्क इतना होता है, वहां पर जो नंबर ऑफ पेसेस गिने जाते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, बट ये काउंट्स नंबर ऑफ पेसेस इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में इंडिविजुअली काउंट करता है। पेसिंग सिस्टम, जहां पर किसी सर्वेयर को बुलाया जाता है कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हमें सर्वे कंप्लीट करके दे दीजिए। एग्जाम्पल है क्रिकेट की पिच की लेंथ, वहां पर यह तो है नहीं कि फीते के साथ टेप के साथ मेजरिंग की जाएगी, तो यूज होता है यूज्ड फॉर रफ सर्वेज, रफ सर्वेज के लिए यूज होता है जहां पर वेयर ए सर्वेयर इज कॉल्ड अपॉन, जहां पर एक सर्वेयर को बुलाया जाता है टू मेक द सर्वे, सर्वे बनाने के लिए, सर्वे करने के लिए, टू मेक द सर्वे एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका सर्वे पूरा करके देना होता है पेसिंग सिस्टम के अंदर। जनरली ये मेथड्स आपके होते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट्स के, अदर देन द चेनिंग सिस्टम। हम लोग तो चेनिंग सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन पांच मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेकिंग द लीनियर मेजरमेंट्स। हम लोगों का सिक्स्थ सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड द
चेनिंग सिस्टम डायरेक्ट मेजरमेंट का सर्वेइंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम चेनिंग सिस्टम, मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट्स का ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। किसकी हेल्प से काम किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ चेनिंग सॉरी विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। चेन को यूज किया जाता है, चेन इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी वर्क, नॉर्मल से काम के लिए चेन को यूज किया जाता है। टेप इज यूज्ड फॉर मोर एक्यूरेट वर्क, ज्यादा एक्यूरेट वर्क के लिए, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आपका टेप यूज में आता है। जनरली किसी भी चेन सर्वे को करने के लिए हम लोग इसके सिस्टम्स डिस्कस करेंगे या फिर अभी आप कर सकते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर। चेनिंग सिस्टम में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होंगे? एक तो आपका हो गया चेन यूज होगा, टेप यूज होगा, दूसरा आपका हो गया चेन टेप, दूसरा आपका हो गया एरोज। कई बार एरोज को मार्किंग पिंस भी बोला जाता है। तीसरा आपका हो गया वुडन पेग्स यूज होंगे। चौथा आपका हो गया, फोर्थ वन इज प्लम बॉब यूज होगा, प्लम बॉब। पांचवा आपका हो गया रेंजिंग रोड यूज होगी, ऑफसेट रोड भी यूज होंगी, ऑफसेट रोड्स। सिक्स्थ आपका हो गया रेंजिंग रोड, ऑफसेट रोड, प्लम बॉब, वुडन पैक्स, एरोज, मार्किंग पिंस, चेन टेप। रेंजिंग रोड, ऑफसेट रोड, रेंजिंग पोल जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, रेंजिंग पोल एंड बट रोज। एंड लास्ट वन इज प्लास्टर लेथ, हम डिस्कस करेंगे अभी, एंड वाइट्स। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे चेनिंग सिस्टम में काम आते हैं। जो चेन सर्वे करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रिकनसेंस सर्वे करना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को भाई सबसे पहले हम किसी साइट का मुआयना करेंगे। आप लोगों को कहीं पर चेन सर्वे करना है तो क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले उस साइट का मुआयना किया जाता है। मुआयना करने के बाद आप लोग वहां की सर्वे स्टेशंस की सर्वे लाइंस को रन करवाओगे और सर्वे स्टेशंस को मार्क करोगे कि भाई ये मेरा इतना प्लॉट है, इतनी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को मैंने आउटर पॉइंट्स को फिक्स कर लिया। आउटर पॉइंट्स तक फिर चेन लाइंस को रन करवा दिया जाता है। कैसे रन करवाते हैं? क्रॉस स्टाफ सर्वे की मदद से। जैसे हमने कैडस्ट्रल सर्वे पढ़ा था, कैसे किया था? क्रॉस स्टाफ सर्वे की मदद से करते हैं जनरली। तो क्रॉस स्टाफ सर्वे का प्रोसीजर क्या होता है, जनरली किसके काम आता है? आपका कैडस्ट्रल सर्वे टू प्लॉट द बाउंड्री, टू मार्क द बाउंड्री ऑफ ए फील्ड, तो उसके लिए आपका कैडस्ट्रल सर्वे काम आता है। तो जनरली अगर मैं एक नॉर्मल नोट की बात करता हूं, चेन सर्वे मे बी डन इन फॉलोइंग स्टेप्स। चेन सर्वे आपका फॉलोइंग स्टेप्स में होता है। पहला तो आपका हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द रिकनसेंस सर्वे। दूसरा आपका हो गया मार्किंग एंड फिक्सिंग ऑफ सर्वे स्टेशंस, फाइनल स्टेशंस को मार्क कर लिया जाता है। एंड तीसरा आपका हो गया रनिंग द सर्वे लाइंस। लाइकवाइज दिस वे, इफ दिस इज योर
लैंड बाउंड्री, तो इस लैंड बाउंड्री में हम लोग इनिशियली सर्वे स्टेशंस को मार्क कर लेते हैं, आउटर पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। आउटर पॉइंट्स को मार्क करवाने के बाद यूजिंग क्रॉस स्टाफ, क्रॉस स्टाफ को सेंटर में फिक्स करके एंगल की मेजरिंग करवा के सर्वे लाइंस को रन करवा दिया जाता है, सर्वे लाइंस को रन करवा दिया जाता है और पूरे एरिया की कैलकुलेशन कर ली जाती है। एरिया की कैलकुलेशन क्योंकि इसमें कुछ ऐसी फिगर बन गई जिस फिगर का हम एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी फिगर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं। वो मेथड आपके अर्थवर्क कैलकुलेशन के अंदर आएंगे, जो आपका प्लेन टेबल से जस्ट पहले लेवलिंग के बाद, कंटूरिंग के बाद जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर के अंदर आपके डिफरेंट मेथड्स आते हैं कि पूरे एरिया को सब डिवाइड कर दीजिए, किसमें, नंबर ऑफ फिगर्स में, नंबर ऑफ फिगर्स में भी द नंबर ऑफ ट्रेपिजॉइड्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ आपका सर्कुलर पोर्शन, तो वैसे इसका एरिया को डिटरमाइन किया जाता है। ये थे आपके जनरल स्टेप्स। तो हम लोगों का ये सबसे लेंथी चैप्टर है हमारा, आपका पूरे सर्वेइंग में सबसे लेंथी चैप्टर्स में आता है लीनियर मेजरमेंट, ये बात आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चेंज के बारे में। याद रखेंगे अभी तक एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आने लगे हैं, लेकिन अब आने लग जाएंगे। आपका आईएस कोड नंबर 1492 यूज होता है किसके लिए, चेंज के लिए, किसके लिए, मीट्रिक चेंज के लिए। जनरली जो चेंज के एंड होते हैं, याद रखेंगे आप लोग, जो चेंज के एंड होते हैं उन एंड्स के ऊपर आपके ब्रास हैंडल होते हैं, उन ब्रास हैंडल्स को आप कैसे भी घुमाते रहो चेन नहीं घूमती है, चेन ट्विस्ट नहीं होती है। उन हैंडल्स के साथ में जो ज्वाइंट लगा रहता है उस ज्वाइंट को स्विवल ज्वाइंट बोलते हैं, स्विवल ज्वाइंट। याद रखेंगे क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्विवल ज्वाइंट। तो जनरली पहला पॉइंट आपका एंड्स ऑफ चेन आर प्रोवाइडेड विद ब्रास हैंडल्स at each end with swivel joint so that chain can be turned without twisting, twist हुए बिना chain को आप टर्न कर सको। आपका जो चेन होती हैं, चेन आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लिंक्स ऑफ, सीधे लिंक होते हैं उनको बेंड कर दिया जाता है आपकी रिंग्स की फॉर्म में और सबको आपस में जोड़ दिया जाता है, तीन स्मॉल सर्कुलर रिंग्स के साथ आप उसमें उनको जोड़ दिया जाता है। Formed by straight links of galvanized mild steel wire bent into the rings at ends and joined each other by three small circular या oval rings। कैसे, एक आपका straight ring को आपने bend किया किसी ring की form में, दो small circular rings यहां पर, एक यहां पर connect किया next part से, next फिर ring आ गई आपकी likewise this way, इनको भी आपस में कनेक्ट आपका किया जाता है इस प्रकार से। और एंड में तो आपका ब्रास हैंडल होता ही है। बी केयरफुल, 30 मीटर वाली चेन में हर एक 5 मीटर के बाद ब्रास रिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ब्रास टैग्स मार्क किए जाते हैं। 20 मीटर वाली चेन में आपके हर एक 2 मीटर के बाद ब्रास टैग्स को फास्टन किया जाता है, याद रखेंगे। हाँ जी, तो जो चेन्स आपकी होती हैं
ये चेन्स आपकी कई प्रकार की होती हैं. नंबर वन इज मीट्रिक चेन. फर्स्ट टाइप ऑफ चेन इज मीट्रिक चेन. जनरली जो आईएस कोड की रिकमेंडेशन ओनली फॉर दिस चेन होती है, ये याद रखेंगे. आईएस 1492 रिकमेंडेशन आर ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर मीट्रिक चेन. जनरली 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होती हैं. 20 मीटर वाली चेन के अंदर 100 लिंक्स होते हैं. 30 मीटर वाली चेन के अंदर 150 लिंक्स होते हैं. 20 मीटर वाली चेन में एट एवरी 2 मीटर ब्रास टैग्स आर फास्टन. ब्रास टैग्स आर फास्टन. एंड 30 मीटर वाली चेन में एट एवरी 5 मीटर ब्रास टैग्स आर फास्टन. वेयर एज जहां पर आपकी ब्रास टैलीज लगी रहती हैं, ब्रास टैलीज जहां लगी रहती हैं, वहां पर आपका ब्रास टैग फास्टन नहीं किया जाता है. ब्रास टैलीज आर फास्टन एट एवरी 5 मीटर. हरेक किसी भी चेन में हरेक 5 मीटर के बाद ब्रास टैली लगी रहती हैं. जहां पर ब्रास टैली होती हैं, वहां पर एट दैट प्लेस ब्रास टैग्स नहीं होते हैं, याद रखेंगे. ये थी आपकी पहली मेट्रिक चेन. सेकंड आपकी होती है गंटर्स चेन या सर्वेयर्स चेन. सेकंड वन इज गंटर्स चेन और सर्वेयर्स चेन. गंटर्स चेन या सर्वेयर्स चेन. ये चेन आपकी ओरिजिनली लैंड की मेजरमेंट करने के लिए काम आती थी. लैंड की मेजरमेंट करने के लिए एंड लीनियर मेजरमेंट्स करने के लिए. बट लीनियर मेजरमेंट्स जो होती थी वो आपकी फरलांग्स में और माइल्स में होती थी. आजकल तो हमारा मीटर सेंटीमीटर चलता है, पहले हमारा फरलांग्स एंड माइल्स चलता था. तो बेसिकली दिस चेन यूज्ड इनिशियली फॉर लैंड मेजरमेंट. लैंड मेजरमेंट इन एकर्स. एकर्स में लैंड मेजरमेंट एंड लीनियर मेजरमेंट्स. लीनियर मेजरमेंट्स इन फरलांग्स एंड माइल्स. इन फरलांग्स बताता हूं मैं क्या होता है. फरलांग्स एंड माइल्स. जनरली ये जो चेन होती है ये आपकी 66 फीट लॉन्ग होती है. इस चेन के अंदर 100 लिंक्स होती हैं, ये याद रखिए. 66 फीट लॉन्ग होती है, 100 लिंक होते हैं. जनरली एक लिंक 0.66 फीट ईच होता है. 0.66 फीट को रिसेंटली 2018 में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गंटर चेन का एक लिंक कितने इंच का होता है. फिट में उसने ऑप्शन नहीं दिया. तो एक 0.66 फीट को अगर आप इंचेज में कन्वर्ट करते हो तो डेट विल मेक 7.92 इंचेस, 7.92 इंचेस ईच. तो ये बात आप याद रखिए. 66 फीट होती है. जनरली 10 गंटर्स चेन, 10 गंटर्स चेन का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो वो 1 एकड़ जमीन के बराबर होता है. 10 गंटर्स चेन का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 1 एकड़ जमीन के बराबर होता है. 80 गंटर्स चेन, 80 गंटर्स चेन को लीनियरली अगर आप मेजर करेंगे तो 1 माइल दूरी के बराबर होता है. 1 माइल दूरी 1.609 किलोमीटर के बराबर होती है. 1609 मीटर के बराबर होती है. जनरली 1 एकड़ जमीन में 1 एकड़ जमीन 198 फीट मल्टीप्लाइड बाई 220 फीट का 1 एकड़ जमीन होता है, जो कि बनाता है 43560 फीट स्क्वायर. जनरली आजकल जमीन गज में मिलती है, तो अगर एक यार्ड स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, एक स्क्वायर यार्ड 9 फीट स्क्वायर के बराबर होता है. तो एक एकड़ जमीन आपकी
43560 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो डेट विल मेक 4840 स्क्वेयर यार्ड के बराबर होता है। 4840 स्क्वेयर यार्ड के बराबर होता है। एक एकड़ जमीन आपकी 40 गंथाज के बराबर होती है। 40 गंथा, जैसे आपका बीघा होता है ऐसे ही गंथा होते हैं, 40 गंथाज के बराबर होती है। एक गंथा 33 फीट के स्क्वायर के बराबर होता है। वन गंथा इज इक्विवेलेंट टू 33 फीट के स्क्वायर के बराबर। एंड वन एकड़ जमीन आपकी 40 गंथा के बराबर होती है। दिस वाज अबाउट द गंटर्स चेन। हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ चेन, जनरली आपका जो इंजीनियर्स चेन होता है ये 100 फीट लॉन्ग होता है। इंजीनियर्स चेन जो है ये आपका 100 फीट लॉन्ग होता है। इसके अंदर 100 ही लिंक होते हैं। हर एक 10 लिंक के बाद ब्रास टैग्स को फास्टन किया जाता है। ब्रास टैग्स आर फास्टन्ड। नेक्स्ट चेन इज रेवेन्यू चेन, राजस्व चेन। रेवेन्यू चेन बेसिकली सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इसको यूज करता है रेवेन्यू चेन को। जनरली 33 फीट लॉन्ग होती है, 16 लिंक होते हैं। एक लिंक 2 fraction 1/16 फीट का होता है। 2 fraction 1/16 फीट ईच होता है, लॉन्ग ईच। जनरली ये चेन आपकी यूज्ड फॉर प्रॉपर्टी बाउंड्रीज, प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। एंड यू नो वेरी वेल प्रॉपर्टी बाउंड्री किसका काम होता है, कैडस्ट्रल सर्वे का काम होता है। कैडस्ट्रल सर्वे वर्क में आपका ये काम आती है पार्टिकुलर चेन। नोट कीजिए, फिर अपना आगे चलते हैं।